हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लिनक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में चर्चा करूंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी तक आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करने में अभी तक आपने जाना, एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिस पे आप कमांड लिखते हैं, एंटर करते हैं और जो रिजल्ट होता है आउटपुट वो आपको वहाँ शो हो जाता है। तो आप अभी तक सिर्फ एक कमांड मोड में, कमांड लाइन में वर्क करना आपने सीखा है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करके आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ इसलिए भी ज़रूरी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आपको बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एडिट करना होता है। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि आप कैसे कमांड लाइन से डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स को इन्वोक कर सकते हैं यानी लॉन्च कर सकते हैं, और किस वर्क के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर बेहतर होता है। तो इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे टेक्स्ट एडिटर्स इन लिनक्स इंट्रोडक्शन से, कि लिनक्स में कितने तरीके के टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग फाइल्स विदाउट यूजिंग एन एडिटर। उसके बाद हम देखेंगे कि एडिटर को यूज़ किए बिना कैसे फाइल्स को क्रिएट किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। देन बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स की कैटेगरी में दो टेक्स्ट एडिटर आते हैं, जी एडिट टेक्स्ट एडिटर और नैनो टेक्स्ट एडिटर। ये दोनों टेक्स्ट एडिटर हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट एडिटर्स इन लिनक्स। लिनक्स टेक्स्ट एडिटर्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक एडिटर्स। बेसिक एडिटर्स के अंदर आते हैं जी एडिट और नैनो, और सेकेंड इज एडवांस्ड एडिटर्स जिसमें आते हैं वाई टेक्स्ट एडिटर्स और ईमैक्स। जी एडिट टेक्स्ट एडिटर एक बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, ये बिल्कुल नोट पैड की तरह होता है, जैसे कि विंडोज़ में आप नोट पैड यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिमिलर आपको यहाँ जी एडिट टेक्स्ट एडिटर मिलेगा। नैनो टेक्स्ट एडिटर भी बहुत ही सिंपल एंड यूजफुल टेक्स्ट एडिटर होता है। इनिशियली जो बिगिनर होते हैं उनके लिए नैनो बहुत ही यूजफुल होता है। वाई टेक्स्ट एडिटर मोस्ट पॉपुलर एडिटर है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इसका एडवांस्ड वर्जन जो होता है वो कहलाता है विम, यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वाई। एंड ईमैक्स टेक्स्ट एडिटर भी बहुत ही यूज़फुल टेक्स्ट एडिटर है, इसके ज़रिए आप डिफरेंट कोडिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, और बेसिकली ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने में एंड डिफरेंट फंक्शंस इसमें होते हैं और स्क्रिप्ट्स लिखने में यूज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिंग फाइल्स विदाउट यूजिंग एन एडिटर। एडिटर को यूज़ किए बिना आप कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल विदाउट यूजिंग एन एडिटर, देयर आर टू स्टैंडर्ड वेज टू क्रिएट वन फ्रॉम द कमांड लाइन एंड फिल इट विद कंटेंट। द फर्स्ट इज टू यूज इको रिपीटेडली। अगर आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं एडिटर को यूज़ किए बिना, तो उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, इको को रिपीटेडली यूज़ करना। इको एक कमांड है, लास्ट लेक्चर में बेसिक कमांड्स वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है इको। इको लिखने से क्या होता है, जो भी सामने लिखा होता है इको के बाद आप जो भी लाइन लिखेंगे वो आपके टर्मिनल पे जो है आ जाती है, शो हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन वहाँ हमने सिर्फ इको को टर्मिनल पे डिस्प्ले कराया था लाइन को, यहाँ हम इको के सामने जो भी आप लिखेंगे वो फाइल के अंदर जाके सेव होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इको आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के बाद, उसके बाद सपोज यहाँ ऐसी दो वर्ड लिखे हैं, लाइन वन ग्रेटर देन साइन और माई फाइल। माई फाइल फाइल कोई फाइल है, जो कोई फाइल नेम है माई फाइल। तो जो ग्रेटर देन साइन है इसको हम रिडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो भी इको के बाद आप लिखेंगे टेक्स्ट वो इस फाइल में सेव करा देगा। तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन न्यू फाइल के अंदर सेव हो जाती है। लेकिन अगर फाइल के अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, या सपोज आपने एक लाइन लिख चुके हैं उसके बाद सेकंड लाइन ऐड करनी है, अपेंड करनी है टेक्स्ट के बाद, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम के लिए डबल ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे। डबल ग्रेटर देन साइन यूज़ करने से क्या होता है, अगर उस फाइल में ऑलरेडी टेक्स्ट है पहले से, तो उस टेक्स्ट के बाद में जो भी आपको लाइन ऐड करनी है वो वहाँ से ऐड हो जाती है। तो तीन बार इको कमांड रन करने से माई फाइल के अंदर 3 लाइन सेव हो जाती हैं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। देखते हैं कैसे होता है।
यहाँ से मैं CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ लाइनेक्स में। CentOS में टर्मिनल लॉन्च किया है, तो ये आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ से हम लिखेंगे इको लाइन वन ग्रेटर देन साइन माई फाइल, एंटर। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके बाद सेकेंड लाइन इको लाइन टू डबल ग्रेटर देन साइन माई फाइल, अगेन इको लाइन थ्री डबल ग्रेटर देन साइन माई फाइल। अब इसे चेक करेंगे कि माई फाइल के अंदर लाइन्स जो लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री हमने लिखा है ये सेव हुआ है या नहीं। इसके लिए आप कैट कमांड यूज़ कर सकते हैं। कैट क्या करती है, कैट उसके बाद फाइल नेम माई फाइल, जो भी फाइल के अंदर होगा वो आपको यहाँ से टर्मिनल में आउटपुट में शो करेगी। आप देख सकते हैं माई फाइल के अंदर लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री राइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इको कमांड को यूज़ करके फाइल में राइट कर सकते हैं। सेकेंड वे इज टू यूज कैट कमांड कंबाइंड विद रिडायरेक्शन। दूसरा तरीका है आप कैट कमांड ही यूज करेंगे रिडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके। यहाँ आप देख सकते हैं कैट ये रिडायरेक्शन ऑपरेशन है, डबल लेस देन साइन देन एंड ऑफ फाइल, ईओएफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल ग्रेटर देन माई फाइल। इसका मतलब ये है कि इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट में यहाँ से राइट करेंगे मेंशन करेंगे वो एंड ऑफ फाइल, जब तक उसे एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता है मिलती है तब तक उससे पहले तक वो माई फाइल में स्टोर हो जाएगा। देखते हैं कैसे वर्क करती है कमांड। कैट ईओएफ माई फाइल टू लेते हैं यहाँ से और इसमें लिखेंगे लाइन वन फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन लाइन टू थर्ड लाइन लाइन थ्री। ये चलता चला जाएगा जब तक आप एंड ऑफ फाइल मेंशन नहीं करेंगे। एंड ऑफ फाइल मेंशन हमने यहाँ राइट कर दिया एंड देन एंटर करेंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। तो इन कमांड ये आपकी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसके बाद हम चेक करेंगे माई फाइल टू में क्या सेव हुआ है। कैट माई फाइल टू एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ भी सिमिलर दोनों कमांड्स ने सेम वर्क किया है। तीन लाइंस लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री फाइल के अंदर राइट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बिना टेक्स्ट एडिटर को यूज़ किए फाइल में राइट कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो है ये जब भी यूजफुल है जब आपको जो रिटन वर्क है वो बहुत स्मॉल लेवल पे है, सिर्फ आपको दो तीन लाइंस अगर लिखनी है तो आप इजीली विदाउट ओपनिंग टेक्स्ट एडिटर आप डायरेक्ट कमांड से उसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं जीएडिट टेक्स्ट एडिटर पे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। तो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट करने तथा मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी एडिट टेक्स्ट एडिटर डायग्राम में आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ से ये जी एडिट टेक्स्ट एडिटर है जो कि बिल्कुल नोट पैड की तरह है। यहाँ से आप फाइल एडिट व्यू सर्च टूल्स ऑप्शन ये सारे ऑप्शंस हैं एंड टैब्स की फॉर्म में आप इसे ओपन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंड जो भी लिखना है डायरेक्ट यहाँ से प्लेन टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। एज अ ग्राफिकल एडिटर जी एडिट इज़ पार्ट ऑफ जीनोम डेस्कटॉप सिस्टम। जीनोम डेस्कटॉप सिस्टम जो कि लाइनक्स में होता है उसका बाई डिफॉल्ट जी एडिट पार्ट होता है ग्राफिकल एडिटर। और अगर KDE डेस्कटॉप सिस्टम है तो उसमें के राइट होता है। जी एडिट एंड के राइट एडिटर्स आर वेरी इजी टू यूज एंड आर एक्सट्रीमली कैपेबल। दे आर ऑल्सो वेरी कन्फिगरेबल। दोनों ही जी एडिट एंड के राइट दोनों एडिटर्स बहुत ही ईजी होते हैं यूज़ करने में और एक्सट्रीमली कैपेबल हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग कन्फिगर कर सकते हैं। दे लुक लाइक नोट पैड इन विंडोज। अदर वेरियंट सच एज के एडिट एंड केट आर ऑल्सो सपोर्टेड बाई के डी। तो विंडोज़ में नोट पैड की तरह से ही ये वर्क करते हैं एंड इसके दूसरे वेरियंट्स होते हैं के डी एनवायरमेंट में जो कि के एडिट एंड केट कहलाते हैं। देखते हैं इसको।
आपको gedit टेक्स एडिटर लॉन्च करने के लिए सिंपली gedit टाइप लिखेंगे एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। इसमें जो भी आपको लिखना है आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, वेलकम टू माय क्लास, एंड उसे सेव कर सकते हैं। मेन्यू बेस्ड सिस्टम है, यहाँ से आप सेव, सेव एज, प्रिंट सभी कमांड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैनो टेक्स्ट एडिटर। नैनो टेक्स्ट एडिटर भी सिमिलरली जी एडिट की तरीके से आप नैनो लिखकर एंटर करेंगे तो नैनो टेक्स्ट एडिटर लॉन्च हो जाता है। आप लेफ्ट साइड आप इमेज में देख सकते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर ओपन है। तो वन पर्टिकुलर इजी टू यूज एंड सिंपल इज द टर्मिनल बेस्ड एडिटर नैनो। ये भी बहुत ईजी टू यूज एंड सिंपल एडिटर होता है। जस्ट इन्वोक नैनो बाई गिविंग ए फाइल नेम एज एन आर्गूमेंट, और नैनो के बाद अगर आप फाइल नेम मेंशन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाती है, न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है एंड ओपन हो जाती है। ऑल द हेल्प यू नीड इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन में बॉटम पे सभी हेल्प यहाँ से दी गई है, जैसे कि कंट्रोल जी, कैरेट जी, कैरेट साइन है, सो कंट्रोल आप यूज करते हैं। कंट्रोल जी मीन्स गेट हेल्प, हेल्प मिल जाएगी आपको। कंट्रोल जी जस्टिफाई, कंट्रोल डब्ल्यू वेयर इज रीड फाइल, कंट्रोल आर, ये सभी शॉर्टकट्स हैं जिससे आप कट, कॉपी, पेस्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग नैनो, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में नैनो टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो आप उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो चेक करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए एक सिंपल कमांड होती है हाइफन हाइफन वर्जन, अगर आप लिखते हैं उसके साथ ऑप्शन में, तो अगर वो अवेलेबल होता है तो आपको उसका वर्जन शो करेगा कौन सा वर्जन अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपको सिंपल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट इंस्टॉल्ड और नॉट अवेलेबल इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेट्स सी, यहाँ से हम लिखेंगे नैनो हाइफन हाइफन वर्जन। आप देख सकते हैं नैनो हाइफन हाइफन वर्जन कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से शो कर रहा है कि जेएनयू नैनो वर्जन 2.0.9 अवेलेबल है, यहाँ से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो आप उस केस में कमांड यूज़ करते हैं इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ। तो सेंटोस एंड फिडोरा के केस में आप कमांड यूज़ करेंगे सूडो यम इंस्टॉल नैनो। और अगर आप Ubuntu और Debian फैमिली यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशंस तो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं sudo apt install nano। तो इस तरीके से आपका नैनो टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो जाता है। देन ओपनिंग एंड क्रिएटिंग फाइल्स, फाइल को ओपन करने के लिए आप सिंपली नैनो के बाद फाइल नेम लिखेंगे और फाइल ओपन हो जाएगी। एट द बॉटम ऑफ द विंडो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट बेसिक कमांड शॉर्टकट्स टू यूज़ विद द नैनो एडिटर। नैनो एडिटर के बॉटम पे बहुत से कमांड शॉर्टकट ऑलरेडी दिए होते हैं। ऑल कमांड्स आर प्रीफिक्स्ड विद द कैरेट और एम कैरेक्टर। द कैरेट सिंबल रिप्रेजेंट्स द कंट्रोल की। फॉर एग्जांपल, द कंट्रोल जे कमांड मींस टू प्रेस द कंट्रोल एंड जे कीज एट द सेम टाइम। द लेटर एम रिप्रेजेंट्स द ऑल कमांड। तो अगर कैरेट दिया है तो आप कंट्रोल यूज प्रेस करेंगे और साथ में जो भी लेटर है उसको प्रेस करेंगे, एंड अगर एम दिया हुआ है तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे। यानी कि अगर एम विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दिया हुआ है तो पहले ऑल्ट की प्रेस करेंगे एंड देन वो लेटर प्रेस करेंगे। यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स बाय टाइपिंग कंट्रोल जी। कंट्रोल स्मॉल जी प्रेस करने से, एंटर करने से आपको सभी कमांड्स की लिस्ट मिल जाती है। रीड परमिशंस टू ओपन द फाइल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आपको उसकी रीड परमिशंस होने चाहिए। और अगर आप कोई डायरेक्टरी ओपन करना चाहते हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल है तो उस डायरेक्टरी की फोल्डर की परमिशंस भी रीड परमिशंस होनी चाहिए। इफ यू वांट टू ओपन अ फाइल विद द कर्सर ऑन ए स्पेसिफिक लाइन एंड कैरेक्टर यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन पे कर्सर आपको मिले, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ह्यूज फाइल है थाउजेंड्स लाइन की और आप ये चाहते हैं कि लाइन नंबर
97 पे आपको एडिट करना है। तो लाइन नंबर 97 पे ही आपको कर्सर मिले, आपको सर्च नहीं करना पड़े, स्क्रॉल नहीं करना पड़े। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नैनो के साथ प्लस यहाँ से लाइन नंबर में आप 97 मेंशन करेंगे, कॉमा कैरेक्टर नंबर, उस लाइन पे किस कैरेक्टर पे आपको चाहिए, सपोज फर्स्ट कैरेक्टर पे चाहिए तो यहाँ पे आप फर्स्ट वन मेंशन कर देंगे और फाइल नेम किस फाइल में। तो इस तरीके से फाइल ओपन होगी और आपको कर्सर उसी लाइन पे और उस कैरेक्टर पे आपको मिलेगा। इसके बाद एडिटिंग कैसे करते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर से, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नैनो टेक्स्ट एडिटर इज मोडलेस एडिटर। मोडलेस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई मोड नहीं है, डायरेक्ट आप चाहे आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, कमांड लिखनी है या नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, आप सिंपली एडिटर में लिख सकते हैं। जैसे कि वाई एडिटर में होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगी वाई एडिटर में कैसे वर्क करते हैं, वहाँ से दो मोड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से नैनो में कोई मोड नहीं है, इसलिए ये बहुत ही सिंपल एडिटर है यूज़ करने के लिए। टू मूव द कर्सर टू ए स्पेसिफिक लाइन एंड कैरेक्टर नंबर यूज कंट्रोल प्लस कमांड। जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, कर्सर को स्पेसिफिक लाइन और कैरेक्टर नंबर पे मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस कमांड यूज होती है। द मेन्यू ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन विल चेंज, एंटर द नंबर्स इन द एंटर लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर फील्ड एंड हिट एंटर। अगर आपको बॉटम स्क्रीन पर मेन्यू चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंटर लाइन नंबर और कॉलम नंबर लिख देंगे तो वो एंटर करेंगे तो चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ कमांड्स जिससे कि नैनो टेक्स्ट एडिटर में वर्क करना इजी हो जाता है। जैसे कि सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग के लिए, फाइल को सर्च और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू कमांड होती है, जिससे आप टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। ऑल डब्ल्यू कमांड से आप द नेक्स्ट मैच, जो भी सर्चिंग में जितने भी मैच निकल के आते हैं उसमें नेक्स्ट मैच पे मूव करते हैं, एंड कंट्रोल प्लस बैक स्लैश से सर्च एंड रिप्लेस करते हैं। आप इसको देखते हैं, समझते हैं कैसे वर्क करता है। अभी हमने दो फाइल क्रिएट करी थी, माई फाइल एंड माई फाइल टू। तो अगर आपको सर्च करना है सर्च फॉर ए टेक्स्ट, सबसे पहले हम नैनो यूज करते हुए फाइल ओपन करेंगे नैनो, उसके बाद फाइल नेम देंगे माय फाइल। देख सकते हैं आप यहाँ से माय फाइल ओपन हो चुकी है, फाइल माय फाइल, इसके अंदर तीन लाइंस लिखी हुई है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, ठीक है। और ये नीचे शॉर्टकट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इसमें वर्ड सर्च करना है कोई, आप तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते ही बॉटम पे सर्च लिखा हुआ आ रहा है। अब जो भी सर्च करना है यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से वर्ड लाइन सर्च कराते हैं, लाइन लाइन लिखा एंड एंटर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से कि इसने यहाँ से सेकंड लाइन को हाईलाइट किया है, वो इसलिए क्योंकि सर्चिंग में हमेशा नेक्स्ट लाइन से सर्च करना स्टार्ट करते हैं, और कर्सर हमारा अगर फर्स्ट लाइन पे था तो फर्स्ट लाइन पे तो ऑलरेडी कर्सर था, तो सेकेंड लाइन पे उसके बाद में जैसे ही उसको लाइन मिला, वर्ड मिला, तो उसने उसे सर्च कर लिया, हाईलाइट कर लिया, यानी ये फर्स्ट अकरेंस है। अब इसके बाद जितनी भी अकरेंसेस होंगी उस वर्ड की, एक फाइल में एक वर्ड जितनी बार भी रिपीट होगा, अगर आपको नेक्स्ट अकरेंस पे जाना है तो उसके लिए मूव करने के लिए आप यूज़ करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते ही ये थर्ड लाइन पर आ गया, फिर अगेन आप ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें कंट्रोल डब्ल्यू एंड ऑल डब्ल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्च एंड रिप्लेस ऑपरेशन करना है, यानी एक कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करके उसे रिप्लेस करना है, तो आप कंट्रोल स्लैश बैक स्लैश यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्लैश प्रेस करते ही ये आपको शो कर रहा है कि सर्च टू रिप्लेस, यानी सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है उसे डालेंगे। सपोज हमें थ्री को फोर से रिप्लेस कराना है, टी एच आर डबल ई हमने थ्री मेंशन किया, राइट लिखा यहाँ से एंटर, उसके बाद रिप्लेस विद सपोज एफ ओ यू आर फोर एंड एंटर। अभी आपसे पूछता है रिप्लेस दिस इंस्टेंस, येस और नो। यहाँ से हम वाई प्रेस करेंगे, येस, आप देख सकते हैं यहाँ से थ्री रिप्लेस हो चुका है फोर के साथ। इस तरीके से सारी कमांड्स वर्क करती हैं। नेक्स्ट है कॉपी कट एंड पेस्ट कमांड। कॉपी कट और पेस्ट के लिए कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं, ऑल्ट ए से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल्ट ए कमांड्स जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर एक जगह मार्क
शो करेगा जहाँ से आप एरो की हेल्प से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक कर्सर को मूव करें। उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन को अगर कैंसिल करना है तो कंट्रोल 6 कमांड यूज़ करते हैं। अगर सिलेक्शन को कॉपी करना है तो ऑल्ट 6 कमांड यूज़ करेंगे, और अगर कट करना है तो कंट्रोल के कमांड यूज़ करेंगे, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल यू कमांड यूज़ करेंगे। देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज फर्स्ट लाइन में। अभी हम ऑल्ट ए प्रेस करते हैं, ऑल्ट ए प्रेस करने के लिए मार्क सेट, जहाँ से कर्सर आपका रखा हुआ है वहाँ से मार्क सेट हो चुका है। उसके बाद आप जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ तक आप सेलेक्ट करते हैं उससे वन कैरेक्टर बिफोर तक वो लेता है। तो इसके लिए हम एक कैरेक्टर आगे तक इसको सेलेक्ट करें। तो ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद सिलेक्शन के बाद सपोज हम इसे कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए ऑल्ट 6 प्रेस करेंगे, ऑल्ट 6, एंड लास्ट में इसको पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। देख सकते हैं कि लाइन वन सबसे लास्ट लास्ट लाइन में पेस्ट हो चुकी है, कंप्लीट लाइन। और इसी तरह से दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट ए सेकेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, और सपोज इसे कट करना है हमें तो कट करने के लिए कंट्रोल के यूज़ करेंगे, कंट्रोल के, क्योंकि हमने लास्ट कैरेक्टर तक सेलेक्ट किया था तो उससे वन कैरेक्टर बिफोर तक वो लेता है, इसलिए यहाँ से ओ सेलेक्ट नहीं हुआ है, कट नहीं हुआ है। फिर पेस्ट करेंगे कंट्रोल यू, देख सकते हैं लाइन टी डब्ल्यू हमारा वहाँ से कट एंड पेस्ट हो चुका है। अब दोबारा से हम करते हैं सिलेक्शन, ऑल्ट ए, सिलेक्टेड टेक्स्ट है, और इस सपोज नीचे सब सेलेक्ट कर लिया, और इस पूरे सिलेक्शन को हमें कैंसिल करना है तो कंट्रोल 6 प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से सिलेक्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। सेविंग एंड एग्जिटिंग, जो भी आपने टेक्स्ट एडिटर में वर्क किया उसको सेव और एग्जिट कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड्स हैं। कंट्रोल ओ से आप सेव कर सकते हैं जो भी फाइल में चेंजेस किए हैं, कंट्रोल एक्स से आप नैनो एडिटर से एग्जिट कर सकते हैं, एंड कंट्रोल बैक स्लैश सर्च एंड रिप्लेस के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखते हैं कैसे वर्क करता है। सेव करने के लिए जो भी हमने किया है आप क्या करेंगे, कंट्रोल ओ, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है फाइल नेम टू राइट, माय फाइल में ही इसे राइट करना है चेंजेस को या किसी दूसरी फाइल नेम में राइट करना है। तो अगर आप यहाँ से कोई दूसरी फाइल राइट कराना चाहते हैं, जैसे कि सेव एज ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ से एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है मैसेज, रोट 5 लाइन्स, 5 लाइन्स राइट हो चुकी हैं माई फाइल। एंड अब आप चाहेंगे कि आपको नैनो एडिटर से वापस एग्जिट करके कमांड लाइन पे आना है, तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्स। आप देख सकते हैं कंट्रोल एक्स प्रेस करने से वापस आप कमांड लाइन पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये थी वर्किंग विद नैनो टेक्स्ट एडिटर एंड इम्पॉर्टेंट कमांड्स, जिसकी सहायता से आप नैनो टेक्स्ट एडिटर में ईजिली वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वाई एडिटर और वाई एडिटर और ईमैक एडिटर डिस्कस करूँगी। रेफरेंसेस के लिए ये रेफरेंसेस हैं जिसे आप डिटेल में अगर आपको स्टडी करनी है तो यू कैन गो थ्रू दीज रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।